हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी, बीजेपी आरएसएस के लोग देश में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाने की काम करते हैं। मीडिया का पूरा कंट्रोल है, तो हमने सोचा कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल के देश को मोहब्बत मोहब्बत का मैसेज दें। और पिछली यात्रा में हमने एक नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और यही हमारी कोशिश है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश नफरत से हिंसा से प्रगति नहीं कर सकता है। देश मोहब्बत इज्जत और भाईचारे से प्रगति कर सकता है। भैया ये बाजा बंद कर दो। अब क्या करें? तो काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा कर दी, मगर बंगाल का, असम का, बाकी स्टेट का क्या होगा? और उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपको मणिपुर से महाराष्ट्र की भी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात थी, सही सोच थी, इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की। मणिपुर से महाराष्ट्र मुझे घूमना पड़ेगा ऐसे। मणिपुर से महाराष्ट्र यात्रा की। इस यात्रा में हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि जितनी बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है वो पिछले 40-50 साल से नहीं हुई है। सही बात है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, अलग 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 तरीके का अन्याय नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। किसानों के साथ आपने देखा, पूरे देश के किसान खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी अपने काले कानून लाए थे, जो किसान का है उन्होंने वो छीनने की कोशिश की, और शुक्र है कि देश के किसान एक साथ खड़े हो गए। तो हमने इसलिए न्याय शब्द भी अपनी यात्रा में जोड़ा है। सामाजिक न्याय, जिसका सबसे बड़ा कदम जाति जनगणना होगा, कास्ट सेंसस होगा, उसको हमने करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में हम जाति जनगणना लागू करेंगे, पता लगाएंगे पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। तो ये हम आपके सामने पांच न्याय के हम कदम रखना चाहते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, किसानों के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, और जो हमारे श्रमिक मजदूर हैं उनके लिए न्याय, ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये हमारी जो यात्रा होती है इसमें हम लंबे भाषण नहीं देते हैं, हम अपनी मन की बात आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनने आए हैं, आपके दिल में जो है वो समझने आए हैं। बंगाल देखिए, ये आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ नफरत और हिंसा की विचारधारा, और दूसरी तरफ मोहब्बत, इस साइड हो जाता हूं, दूसरी तरफ मोहब्बत
भाईचारे की विचारधारा। और मैं बंगाल से, बंगाल के हर नागरिक से कहना चाहता हूं, आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो, आप इंटेलेक्चुअल लोग हो और बंगाल से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए हैं, अमर्त्य सेन जी आए हैं, आपको सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिले हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, सुभाष चंद्र बोस जी आए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, आरएसएस की नफरत की जो विचारधारा है, उसके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होकर आपको इस विचारधारा के साथ के खिलाफ लड़ना होगा। आपने मुझे इतना प्यार दिया, यात्रा में आपने पूरी शक्ति डाल दी, पूरा प्यार डाल दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। क्या बात है, हां जी, देखिए उनका नाम लेना पड़ेगा, गणिकांत चौधरी जी का नाम लेना पड़ेगा, जिन्होंने आपके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा काम किया यहां पे, तो उनको, उनका नाम लेना पड़ेगा और उनकी याद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।